सो CSR GP के एपिसोड 2 में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने अपनी इलाइट हीरोइक रैंक को मास्टर पे कन्वर्ट किया। सो आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ अपने मास्टर रैंक को जितना हो सके पुश करने का एंड इलाइट मास्टर के जितना हो सके करीब जाने का। सो CSR GP के एपिसोड 2 में इतना सारा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। एंड अभी तक जिन्होंने CSR GP के एपिसोड 1 एंड 2 नहीं देखा जाके चेकआउट कर लेना, चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अभी चलते हैं हमारे गेम प्ले क्लिप्स की तरफ, लेकिन अगर वीडियो देख के आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ताकि आप लोगों को मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 3K सब्सक्राइबर्स के, सो अक्टूबर मंथ खत्म होने से पहले ट्राई करना करवा देने का। तो अभी चलते हैं हमारे पहले क्लिप के तरफ। सब इस गेम में क्या सीन होता है, हम लोग जो है 2-1 से इस मैच में लीड कर रहे थे एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दरवाजे में जो है वॉल लगाता हूँ एंड यहाँ पे ड्रॉप चार्ज करना शुरू करता हूँ। एंड जैसे ही ये ड्रॉप कम्प्लीटली मैं चार्ज कर लेता हूँ उतने में एक परफेक्ट ग्रेनेड आता है एनिमी के तरफ से एंड मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। एंड मैं जैसे ही नॉक होता हूँ मेरा जो रैंडम टीममेट होता है ये जल्दी से आके मुझे रिवाइव देना शुरू करता है एंड जिस बंदे ने मुझे नॉक किया था वो आने में थोड़ा टाइम लगाता है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से रिवाइव हो जाता हूँ एंड रिवाइव होते ही मैं क्या करता हूँ, दो ग्लूअल से अपना दो साइड पैक करके अपना हीलिंग करना शुरू करता हूँ। उतने में मेरा एक टीममेट आके यहाँ पे बोनफायर लगा देता है जिससे मुझे EP भी मिलता रहता है। सो जैसे ही मेरा हील यहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे मैं जो है चेक करना शुरू करता हूँ कि एनिमीज किस साइड से आ रहे हैं एंड यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिख जाता है। सो मैं जल्दी से इसको डैमेज देना शुरू करता है एंड मेरा टीममेट जो है इसको नॉक कर देता है। सो राउंड के इस पॉइंट तक मैंने जो है एक भी नॉक नहीं निकाला था एंड यहाँ से क्वाड्रा किल निकालना प्योर लक नहीं तो और क्या होगा। सो जैसे ही ये बंदे को मेरा टीममेट नॉक करता है मैं जो है अंदर की तरफ भागता हूँ। उतने में एक बंदा जो है मुझे चेस करते हुए आ रहा होता है एंड यहाँ पे जो बंदा रिवाइव कर रहा था। सो मैं स्किल ब्लॉकर फेंकता हूँ एंड एक बंदा नॉक हो जाता है एंड इस बंदे को नॉक करते ही मुझे रेट ऑफ फायर बूस्ट मिलता है जिससे मैं एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ एंड मैं जल्दी से यहाँ पे रश करता हूँ। एक बंदा यहाँ पे हील कर रहा था तो मैं इस बंदे को भी नॉक निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे मुझे जो 3 नॉक मिल चुके थे एंड चौथा बंदे को जो है मेरे टीममेट ने नॉक किया था, बट वो बंदा भी नॉक हुआ, मेरा टीममेट भी नॉक हुआ एंड उसने दिमित्री लगा के सेल्फ रिवाइव किया। उसके बाद मैं इसके ऊपर रश करके इसको मार के क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। सो इस राउंड में देखो कितने बार मेरे को जो है लक ने साथ दिया। सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की तरफ जहाँ पे मैंने जो 1 HP क्लच निकाला था। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे राउंड शुरू होता है 2-2 का स्कोर चल रहा था। सो मैं यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे टीममेट जो है फाइट कर रहे थे, उतने में मैं मार के एक बंदे का सोनिया एक्टिव करवाता हूँ, दूसरे बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। उतने में एक बंदा ऊपर आता है, मैं स्किल ब्लॉकर फेंकता हूँ तो ये नॉक हो जाता है एंड मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने के चक्कर में जो है यहाँ पे नीचे वाले बंदे को फिर मारने जाता हूँ एंड यहाँ पे डबल जो है मैं सोच रखता हूँ जिस वजह से एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। लेजिट में 1 HP पे सर्वाइव करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सर्वाइव करना ही एफिशिएंट नहीं था। मैं मेडी मारना शुरू कर ही रहा था तब मैं सोचता हूँ सामने जाने का एंड पीछे जो है एनिमी का स्किल ब्लॉकर आता है, मतलब मैं अगर वहाँ से नहीं भागता तो मैं वहीं पे नॉक हो जाता एंड उसके बाद मैं जल्दी से आके यहाँ पे सुपर मेडी कंप्लीट करते एक बंदा नीचे से आ रहा था, काफ़ी मैं डैमेज देता हूँ एंड मैं यहाँ पे फ्लैश फ्रीज मिस करता हूँ बट ये बंदा फ्लैश फ्रीज के ऊपर कूद के नॉक हो जाता है। उसके बाद नीचे के साइड पे दोनों बंदे थे सो मैं यहाँ पे सोचता हूँ ग्रेनेड करके इसको मारूँ बट ये बंदा यहाँ से ऑलरेडी साइड पे चला गया था। सो मैं यहाँ पे सामने की तरफ आके थोड़ा होल्ड करता हूँ एंड एनिमी का पोजीशन निकालने के लिए जैसे स्किल ब्लॉकर चार्ज होता है मैं स्किल ब्लॉकर फेंकता हूँ एंड एक बंदे का जो स्किल भी ब्लॉक होता है एंड इसके ऊपर मोको का मार्क भी आ जाता है। उतना में ही मुझे पता चलता है एक बंदा नीचे से आ रहा था एंड मैं सोचता हूँ ताकि ये रिवाइव ना दे इसलिए मैं जल्दी से नीचे आके इसको जो है मारता हूँ एंड इसको हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है एंड एक और बंदा जो था उसको जो है मोको का मार्क आ रहा था सो इसको भी मार के मैं जो है क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। सो अभी तक आप लोगों ने 2 लकी क्लिप तो देख लिया, अभी आप लोग देखोगे एक पावरफुल सा जो मैंने क्लच निकाला लो HP में वो। सो यहाँ पे जैसे ही राउंड शुरू होता है हम लोग 1-1 से बराबरी कर रहे थे एंड मुझे पता था नीचे से बंदा जरूर आएगा, एक बंदा नीचे से आता है मैं इसको मार के इसका सोनिया एक्टिव करवाता हूँ एंड ये बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा था ओरियन बन के। सो मैं जल्दी से यहाँ पे भागते एक बंदा सीधा सीधा आ रहा था इसको भी हेडशॉट कनेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं जल्दी से 2 नॉक निकाल के अपना हील कंप्लीट करता हूँ एंड इनको कंफर्म करते ही मुझे बाइजन मिल जाता है जो शॉर्ट रेंज के लिए एफिशिएंट गन है एंड इन दोनों को मार के जब तक मैं ऊपर जाता तब तक जो है मेरे सारे टीममेट्स मर गए थे। सो मेरे सामने यहाँ पे अभी 1v2 का सिचुएशन था। सो यहाँ पे मैं जो है काफी देर तक जोन के साथ साथ होल्ड करना शुरू करता हूँ एंड जैसे ही जोन मेरे साइड पर श्रिंक करना शुरू होता है ये बंदे मेरे साइड में आना शुरू करते हैं एंड मैं बाइजन के एक स्प्रे से दोनों को मार देता हूँ एंड मेरा क्वाड्रा किल निकल जाता है। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है इसको आप लोग कोई क्लच मत समझो, ये जो है एक रिवेंज स्टोरी पकड़ सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे मैं जो है रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहा था एंड मैं जो है उतना अच्छे से नहीं खेल पा रहा था।
सो मेरे जो टीममेट्स होते थे रैंडम, वो तीनों मिलकर मुझे गाली दे रहे थे। मैंने इनको म्यूट करके ही रखा था, बट इन्होंने बहुत गाली दिया था मुझे। एंड यहाँ पे जैसे ही मैच खत्म होता है, मेरा एक टीममेट यहाँ पे क्वाड्रा किल निकाल के मैच खत्म करके भी गाली दे रहा था। एंड जैसे ही मैच खत्म करता है, मैं जो है यहाँ पे प्ले अगेन पे क्लिक करके मैच स्टार्ट करता हूँ। एंड जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, मैं देखता हूँ वो जो तीनों टीममेट्स थे वो ओपोनेंट में आए थे। एंड अभी बारी थी मुझे यहाँ पे क्लच निकालने की। एंड यहाँ पे क्या होता है, मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं। सो मैं स्किल ब्लॉकर फेंकता हूँ, दो बंदे का स्किल ब्लॉक होता है। बट यहाँ पे एक बंदा नीचे कूदता है मुझे मारने के लिए, मैं इसको जो किसी तरीके से नॉक कर देता हूँ। एंड इसको नॉक करते ही मैं जो है पीछे के साइड पे भागता हूँ, तब तक मेरे ऊपर दो और बंदे रश कर देते हैं। एंड इनमें से एक बंदे को मैं थोड़ा सा पहले WSP का डैमेज देता हूँ। एंड कटाना मारते मारते एक को तो नॉक कर देता हूँ, बट दूसरा बंदा मुझे मार देता है। एंड मारने के बाद ये मुझे इमोट दिखा रहे थे। एंड कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये लोग जो है मैच को 0-1 से पूरा 0-3 तक खींच देते हैं। मतलब हम लोग जो है 0-3 से पीछे चल रहे थे। एंड यहाँ पे देखो मेरी टीम में किसी का भी किल नहीं है, मेरा भी एक भी किल नहीं था। उतने में मैं जो है यहाँ पे आता हूँ, एंड जोन काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका था। सो मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ, एंड उसके बाद मैं नॉक हो जाता हूँ, बट मेरा टीममेट जो है क्लच निकाल देता है। एंड यहाँ पे हम लोग पहला राउंड जीत के कमबैक का शुरुआत तो कर देते हैं। फिर जैसे ही नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, मैं जो है इस घर पे आके होल्ड करना शुरू करता हूँ। एंड सामने के साइड पे ही बंदे थे, सो यहाँ पे मैं जो है ग्रोजा से जो एक बंदे को नॉक निकाल लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं नॉक निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ इनके ऊपर रश करने का, टेलीपोर्ट जहाँ से होते हो वहां से। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कूदता हूँ, एक बंदा जो है यहाँ पे आता है। एंड इसके पास शॉर्ट रेंज नहीं था, तो मैं इसको जो जल्दी से नॉक करके कंफर्म करता हूँ। एंड मेडिकेट मार के जो उन बंदों के ऊपर रश करता हूँ। तब तक मेरा एक टीममेट जाके डबल ए बैरल से एक बंदे को नॉक लेता है। एंड यहाँ पे ग्लूअल के नीचे से एक बंदे का पैर दिख रहा था, सो इसको नॉक निकलते ही पीछे से जो एक और बंदा मुझे मारना शुरू करता है। सो मैं इसको काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ, फिर स्किल ब्लॉकर से इसका स्किल ब्लॉक करके इसके ऊपर ग्लूअल फोर के रश करता हूँ। एंड इसको मार के ट्रिपल किल के साथ जो है यहाँ पे एक क्लच निकाल लेता हूँ। एंड जैसे ही नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैं होल्ड करना शुरू करता हूँ। एंड एक बंदा नीचे से ग्रेनेड करने के लिए आता है, सो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो स्किल ब्लॉकर का एबिलिटी फेंकता हूँ। एंड उसके बाद इसको जो MP5 का बॉडी देके नॉक कर देता हूँ। एंड बाकी के दो एनिमीज को जो है मेरे टीममेट मार देता है। एंड जो आखिरी वाला एनिमी बचा रहता है, इसके ऊपर मैं परफेक्ट ग्रेनेड करके इसको भी खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग जो स्कोर मैच कर लेते हैं 3-3 से। उसके बाद लास्ट राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैं एक बंदे को नॉक कर पाता हूँ। एंड उसके बाद मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक करता है, एंड जो लास्ट बंदा रहता है वो जोन में एलिमिनेट हो जाता है। एंड हम लोग एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी बना लेते हैं यहाँ पे। एंड जैसे ही ये मैच खत्म होता है, मेरे जो एनिमीज थे, मतलब जो मेरे टीम में इससे पहले आए थे, वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं। एंड उसके बाद मैं इनके साथ ही खेलना शुरू करता हूँ। एंड इनके साथ खेल के मैं जो है यहाँ पे 3 का 4, उसके बाद 5 का, एंड उसके बाद 7 का स्ट्रीक मैक्सिमम बना लेता हूँ इन्हीं के साथ खेल खेल कर। एंड उसके बीच में जो ये वाला एक बहुत एपिक क्लच निकलते निकलते रह जाता है मेरे नेटवर्क के वजह से। सो यहाँ पे देखो, मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, एंड इसके पास जो है दिमित्री था, सो इसने पहले ही लगा के रखा था, सो ये फिर से रिवाइव हो जाता है। फिर मैं ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड भी मिस हो जाता है, लेकिन आखिरकार मैं इसको जो किसी तरीके से AWM से नॉक निकाल लेता हूँ। एंड इसको नॉक निकालते ही मुझे पता था कोई तो इसको रिवाइव देने जाएगा, एंड वैसा ही होता है। एक बंदा यहाँ पे दौड़ के जाना शुरू करता है, बट मैं इसको जो है ग्रोजा का बॉडी देके बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ। एंड जैसे पूरा जोन श्रिंक होने लगता है, तब इसको जो है मैं AWM का हेडशॉट देके नॉक कर देता हूँ। एंड इस बंदे को मारते ही अभी मुझे दो ही बंदे के साथ डील करना था, एंड दोनों बंदे नीचे के साइड पे ही थे। सो मैं यहाँ पे जो स्किल ब्लॉकर फेंक के दोनों का लोकेशन जानने के लिए आता हूँ। एंड ये दो बंदे जो होते ये मुझे बहुत डैमेज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लेट के मेडिकेट मारना शुरू करता हूँ। एंड देखो यहाँ पे मेडिकेट पूरा हो गया था, बट एकदम जो लास्ट मोमेंट होता है वहाँ पे मेडिकेट अकेले ही कैंसिल हो जाता है नेटवर्क की वजह से। एंड मैंने जो HP जो था वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। एंड जब तक मैं मेडिकेट मारना फिर से शुरू करता, तब तक एनिमी जो है मुझे मार देता है। एंड मारने के बाद ये बंदा जो है मुझे इमोट दिखाना भी शुरू करता है। एंड यही पे खत्म नहीं होता, ये लोग जो है कम बैक करके स्कोर को 3-3 का भी कर लेते। मतलब यहाँ पे जो है मेरे सामने फिर से एक प्लॉट बन चुका था रिवेंज स्टोरी का। सो यहाँ पे लास्ट राउंड शुरू होता है, एंड एक बंदा राइट वाले घर पे चढ़ता है, सो मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। एंड उतने में ही एक बंदा जो है फेंस के पीछे जाने का ट्राई करता है, सो मैं इसको जो है ग्रोजा एक्स का बॉडी देके नॉक करता हूँ, मतलब सोनी एक्टिव कर देता हूँ। एंड ये कवर में जाके जो है नॉक हो जाता है।
एंड एक और बंदा इसको बचाने के लिए जा रहा होता है, सो मैं एंड मेरा टीममेट मिलकर जो इसको मारते हैं एंड मेरा टीममेट नॉक जरूर कर देता है, बट ये लास्ट मोमेंट पे जो इसने दिमित्री लगाया एंड ये दोनों रिवाइव हो जाते हैं। एंड जैसे ही आखिर में जोन श्रिंक होता है यहाँ पे जो दोनों बंदे थे एंड मैं स्किल ब्लॉकर फेंक के दोनों का स्किल ब्लॉक कर देता हूँ एंड एक बंदा के ऊपर जो है मैं ग्रेनेड करके नॉक कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो मुझे पता था एक और बंदा उस घर के पीछे ही है, सो मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मुझे दिखता है उसका थोड़ा सा बॉडी दिख रहा है, सो इसको मारने जैसे ही जाता हूँ एक बंदा कूद के आता है एंड इसको हेड लग जाता है एंड ये नॉक हो जाता है। फिर मैं बोनफायर लगा के हील करना शुरू करता एंड वो बंदा अभी भी जो दिख रहा था, सो मैं इसको बॉडी दे के मार देता हूँ एंड यहाँ पे जो हम लोग मैच जीत जाते हैं। सो बस CSRGP के एपिसोड 3 में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से CSRGP के एपिसोड 4 के साथ एंड CSRGP का एपिसोड 4 जो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, सो वो एपिसोड आने ही आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। सो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना पड़ेगा एंड हाँ वीडियो को याद से लाइक कर देना। एंड ये एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों को एपिसोड 1 एंड 2 भी पसंद आएगा, सो आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक जो है राइट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके पूरा प्ले लिस्ट एक बार में इंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट वाला एपिसोड देखना है तो आप लोग लेफ्ट वाले पे क्लिक करो, आप लोगों को जो है नेक्स्ट एपिसोड दिख जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड टाटा।